नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपकी सबसे फेवरेट क्लास रेलवे एनटीपीसी, और रेलवे एनटीपीसी में जैसा कि वेटेज रहता है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्नों की संख्या किससे होती है? आपके विज्ञान यानी कि साइंस के प्रश्नों की संख्या होती है, जिसमें साइंस के प्रश्नों में बायोलॉजी के प्रश्न और भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के प्रश्न और बायोलॉजी के, और बायोलॉजी में भी आपके जूलॉजी वाले सेक्शन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज हम यहाँ पर विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे, उनको समझेंगे और उनके चारों ऑप्शन से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है भैया? चलिए सेशन शुरू करते हैं फटाफट। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले 30 प्रश्न हैं, उन 30 प्रश्न में जब 15 हो जाएंगे तो स्कोर बताना है, और उसके बाद में फिर 15 यानी कि दो पार्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है जिससे सूजन आती है, यानी कि जो स्वेलिंग आती है वो किसमें स्वेलिंग आती है? क्या पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड में स्वेलिंग आती है, या एड्रिनल ग्लैंड में स्वेलिंग आती है, या सब लिंगुअल ग्लैंड में स्वेलिंग आती है, या पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आती है, यानी कि गलसुआ जिसको हम लोग कहते हैं मम्स। क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। मम्स इसका वायरस भी है, अगर वायरस का नाम पूछा जाएगा तब भी मम्स हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर करिए भैया। वेरी गुड इवनिंग अंजलि जी, नमस्कार सारे लोगों को, फटाफट आंसर करिए। क्लास का टाइम एनटीपीसी का यही चलेगा आपका, 7 बजे से एनटीपीसी का टाइमिंग है, फटाफट उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा। एड्रिनल जितने लोग कह रहे हैं एकदम गलत उत्तर है, एड्रिनल ग्लैंड नहीं होगी। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं जल्दी से बताइए? फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी यहां से है, याद रखिएगा। एड्रिनलिन हार्मोन को हम लोग फाइट एंड फ्लाई हार्मोन F&F याद रखिए, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है भैया, क्लियर है? लेकिन गलसुआ जिसका वायरस है मम्स, और ये जो है वो आपका, देखिए टाइमर भी हमने यहां पर लगाया हुआ है, टाइमर के अनुसार ही आपको उत्तर देना है, फटाफट उत्तर दीजिए, टाइमर समय समाप्त हो रहा है आपका। देखिए समय आपका समाप्त हो गया, प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, और प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। आपने देखा होगा जब सर गलसुआ हो जाता है तो ये जो कान के नीचे ग्लैंड होती है उसको हम लोग पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। अगर पूछा जाए मानव शरीर में कितनी स्लेवरी ग्लैंड है, कितने जोड़ी, तो याद रखिएगा 3 जोड़ी, यानी कि 3 पेयर में स्लेवरी ग्लैंड मानव शरीर में पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है तब ये रोग होता है मम्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं सभी के ऊपर कंट्रोल रहता है, लेकिन एक ग्लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, उसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं कर पाती। इसका आकार कैसा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? मटर के दाने के बराबर इसका आकार होता है। क्लियर हो गई भैया बात? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? अल ग्रास ने, मार्टिन कूपर ने, डॉक्टर जाप हर्ट्सेन ने, या चार्ल्स बेबेज ने? फटाफट उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। कलर चेंज कर लें, चलिए येलो कलर कर लेते हैं इसका, तो और विजिबल हो जाएगा, अब मेरे ख्याल से ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है, उत्तर दीजिए। पेन कलर चेंज कर लिया भाई, आंसर दीजिए सही उत्तर क्या होगा। देखो ब्लूटूथ का अगर आविष्कार, फटाफट उत्तर दीजिए, टाइमर आपका शुरू है। देखो भाई ब्लूटूथ का अगर आविष्कार पूछा जाएगा तो सही उत्तर क्या है? डॉक्टर जॉब हर्ट्सेन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए अलग्रास, तो फटाफट बताओगे कमेंट बॉक्स में, अलग्रास ने किसका आविष्कार किया? अलग्रास ने किसका आविष्कार किया था आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज, अगर पूछा जाए हु वाज इन्वेंटर या हु इज इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन तो आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर। लेकिन अगर पूछा जाए पेजर, पहले क्या चलता था? पेजर चलता था,
तो पेजर जो मैसेज के लिए मैसेज करते थे, एक कहीं पर टेलीफोन बूथ पर हमने आपको एक मैसेज किया कि आई एम वेटिंग ऑन दिस प्लेस, और वो एक पेज के माध्यम से वो जो मैसेज होता था वो पेज होता था आपके पेजर पर, तो ये अलग्रास के द्वारा किया गया। मार्टिन कूपर मोबाइल फोन हो जाएंगे, ब्लूटूथ हो जाएंगे हर्सेन, और कंप्यूटर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। इसके अलावा आईसी चिप्स पूछा जाए जैक्स किल्बी, याद रखे। इसके अलावा अगर WWW पूछा जाए वर्ल्ड वाइड वेब, तो टिम बर्नर्स ली हो जाएंगे, आपको ये याद रखना है। अगर पूछा जाए आपका ईमेल के आविष्कारक, तो रे टॉमिल्सन हो जाएंगे। वॉइस मेल के अगर आविष्कारक पूछा जाएगा तो वी पालसन हो जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर है? नमस्कार सारे लोगों को, आंसर देते रहिए। जितना ज्यादा देखिए ऑप्शंस के साथ में खेलेंगे, उतना ही आपके अंदर जो तैयारी करने का, जो एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस है, वो तभी आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली, यानी कि ऊतकों की संख्या बतानी है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के ऊतकों से बना होता है? 5000 ऊतक, 500 ऊतक, 40 ऊतक या 4 ऊतक? फटाफट उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। रे टॉमिल्सन ई मेल, वी पॉल्सन वाइज मेल। जल्दी से उत्तर दीजिए, वेरी गुड इवनिंग, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने उत्तर किया है 4, उन सभी का उत्तर सही है एकदम। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। विद्युत प्रेरण के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? आपका समय शुरू हो गया, फटाफट उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा? न्यूटन, वेवर, पास्कल या हेनरी? चार ऊतक होते हैं भाई मेन, मुख्यतः 4। इसका आ रहा है आंसर हेनरी। हेनरी प्रश्न का सही उत्तर एकदम सही है हेनरी, जितने लोगों ने उत्तर दिया है। अब देखो, बल का अगर पूछा जाएगा फोर्स का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो न्यूटन हो जाएगा। वेबर, ये भी महत्वपूर्ण है, दाब अगर पूछा जाएगा तो ये पास्कल हो जाएगा। और याद रखिए, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस रूल पर आधारित होती है, कौन से प्रिंसिपल पर, तो आपको याद रखना होगा पास्कल सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होती। देखिए, सीजीएस होता है, एसआई होता है, FPS होता है, ये सब पैटर्न है, लेकिन जो इंटरनेशनल यूनिट है वो आपका SI यूनिट को माना गया है, तो SI यूनिट में ही इसका मात्रक क्या हो गया आपका? हेनरी। किसका? विद्युत प्रेरण का। अगला प्रश्न, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? और समय आपका शुरू होता है। गूदेदार पुष्पासन, फ्लैसी थैलमस या मीसोकार्प या एरिल या आपका संपूर्ण भाग, क्या खाया जाता है? नाशपाती का भाग। अब एक प्रश्न यहां से बॉटनी वाले सेक्शन से आता, देखिए समय समाप्त हो गया है, अभी तक हमारे पास बहुत सही उत्तर नहीं आए हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। पास्कल्ला, पास्कल्ला आंसर कर रहे हैं लोग, पास्कल्ला वाला तो हो गया भाई, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। फ्लैसी थैलमस इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है। अगर लीची पूछी जाएगी तो लीची का आप बता सकते हो एरिल होता है, क्या हो जाएगा? एरिल होता है। अब देखो, यहां पर एक और प्रश्न आपका पूछा जाता है, जितने भी फल हैं याद रखना है, जितने भी फूल हैं याद रखना है। अब एक क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा फल है, तो महत्वपूर्ण फल और फूलों के नाम आपको याद रखना है, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, तो याद रखिएगा गुड़हल का पूछा जाता है, कद्दू का पूछा जाता है, तो जल्दी से कद्दू और गुड़हल का वानस्पतिक नाम यानी कि आपको बॉटनिकल नेम कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुड़हल का क्या होगा, गुड़हल के फूल का, और कद्दू का क्या होगा,
वानस्पतिक नाम, फटाफट उत्तर दीजिए, तब तक हम लोग अगले प्रश्न के बारे में बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रूडोल्फ विर्चो या लुई पास्चर या हिप्पोक्रेटस या क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, किसको माना जाता है आधुनिक मानव विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अरे भैया तपस कुमार जी उत्तर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए कह रहे हैं नहीं पता है। देखो ज्योति फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता है आपका। देखो समझिए इसको, ठीक है, समय आपका शुरू है, फटाफट आंसर दीजिए सही उत्तर क्या होगा। उत्तर हमारे पास आ रहा है 3 और 2। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को, बहुत आसान है। सबसे पहले उत्तर जान लेते हैं, आधुनिक मानव विज्ञान यानी कि मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, अगर फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, यह प्रश्न का सही उत्तर है। रूडोल्फ विर्चो अगर पूछा जाएगा तो यह फादर ऑफ पैथोलॉजी, अगर फादर ऑफ पैथोलॉजी पूछा जाएगा तो रूडोल्फ विर्चो हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा रेबीज, रेबीज का टीका किसने बनाया तो लुई पास्चर। अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा शास्त्र के जनक तो हिप्पोक्रेटस। जो भी बच्चे एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस का फुल फॉर्म जानते हैं ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, उनको जब पांचवी साल में यानी कि लास्ट ईयर में होते हैं तो उनको हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन की शपथ भी दिलाई जाती है। तो याद रखिएगा फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किया लुई पास्चर, पैथोलॉजी के फादर रूडोल्फ विर्चो एंड मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के फादर क्लाउड लेवी स्ट्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, हिस्टोलॉजी यह संबंधित है किससे, क्या सेल से है या टिश्यू ऊतक से है या ऑर्गन से है या फंगाई यानी कि कवक से है? फटाफट आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हाँ हिप्पोक्रेटस बेटा जब एमबीबीएस करते हैं तो जो बच्चे होते हैं शपथ लेते हैं कि भाई मैं बहुत सेवा भाव के साथ में काम करूंगा, ये सारी चीजें जो पांचवी जो फिफ्थ ईयर में होते हैं तब। फटाफट आंसर दीजिए, हाँ एमबीबीएस का बहुत लोगों ने अलग अलग निकाला हुआ है लेकिन जो एग्जैक्ट है, जो बायोलॉजिकल है कह सकते हैं, वो यही है जो मैंने बताया है, ठीक है। आप कुछ भी बनाए, वो लोग बनाते हैं एंजॉय के लिए। जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा भाई, टिशू, बिल्कुल सही है, टिशू इस प्रश्न का सही उत्तर है। टिशू जितने लोगों ने उत्तर किया है उनका उत्तर एकदम आपका सही। अब देखो यहां पर समझना है, अगर कभी आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा, टिश्यू इज द करेक्ट आंसर, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा प्लास्टिक सर्जरी में किसका यूज किया जाता है तब भी आंसर आपका टिश्यू ही होगा। बॉडी के पार्ट से टिश्यू निकाल करके प्लास्टिक सर्जरी में सर्जन यूज करता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ फंगस, तो याद रखिए एक है माइकोलॉजी एक है फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी का कवक है नहीं है, देखिए याद रखिएगा, फाइकोलॉजी को कवक मत बता दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, क्या स्टडी ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ यह तो ऊतक हो गया बेटा, देखो सबसे छोटी इकाई सेल कोशिका, उससे बने ऊतक, ऊतक से बने क्या ऑर्गन, और ऑर्गन से बने बॉडी ऑर्गन, यह पूरा एक सीक्वेंस होता है हमारे शरीर की जो संरचना होती है, बिल्कुल याद रखिए। हाँ साइटोलॉजी हो गया, बहुत बढ़िया, माइकोलॉजी भी याद रखना है, साइटोलॉजी भी याद रखना है, फाइकोलॉजी भी याद रखना है, ये तीनों के तीनों आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। फंगाई माइकोलॉजी बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है, साइटोलॉजी हो जाएगा ये, बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है, साइटो माइको फाइको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कॉर्नफ्लावर
यह किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है कॉर्नफ्लावर, और आपका समय शुरू होता है। उत्तर दीजिए, कॉर्नफ्लावर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, यह आपको बताना है। हाँ, हो गया बेटा, साइटोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी भी हो गया, दोनों आपको याद रखना, तीनों तीनों आपको याद रखना, फंगस का भी याद रखना, बिल्कुल सही, फंगस माइकोलॉजी बिल्कुल सही है। आंसर दीजिए इसका, क्या सही उत्तर, अभी तक उत्तर हमारे पास नहीं आया है इसका उत्तर। सही उत्तरों की संख्या बहुत कम है, करेक्ट आंसर करिए फटाफट। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, कॉर्नफ्लावर की अगर बात आएगी तो यह जर्मनी का है, कहां का है, जर्मनी का। नेपाल की अगर बात करते हैं, नेपाल विश्व का एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है, याद रखना है आपको, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और अगर पेरिस पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे फ्रांस की कैपिटल पेरिस स्थित है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, और यह किस नदी के किनारे है, तो बर्लिन याद रखिएगा सप्री नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब हम कुछ देशों के एम्बलम जान लेते हैं, प्रतीक। भारत का सभी लोग जानते हैं सारनाथ, लॉयन कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, सभी लोग जानते हैं। बांग्लादेश का याद रखिए वाटर लिली है, और कनाडा का व्हाइट लिली है, फ्रांस का केबल लिली है, जर्मनी का कॉर्नफ्लावर, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा। इटली, ईरान का हो गया रोज, इटली का व्हाइट लिली, जापान का भी आप देख सकते हैं यहां पर, पाकिस्तान का, और स्पेन का बहुत बार पूछा गया है, स्पेन का क्या है, ईगल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। आरबीसी के सामने लिखा हुआ ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी के सामने लिखा है इरिथ्रियोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स के सामने लिखा है थ्रम्बोसाइट, और चौथा विकल्प है ऑल आर मैच्ड, तो आपका समय शुरू होता है। फटाफट आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा। हाँ, कलकत्ता हुगली, बिल्कुल हुगली किनारे ही हम लोग जानते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी को हम लोग जानते हैं 1757 में। जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ईसानी ने कहा ब्लड प्लेटलेट्स, देखिए बिल्कुल सही है, कैसे समझिएगा। अगर मैं कह दूं आरबीसी का इरिथ्रियोसाइट तो सही होगा, डब्ल्यूबीसी का कर दूं ल्यूकोसाइट, हमने कैंची गुणा कर दी, कैंची गुणा समझ से, तंछी गुणा, तिरछी गुणा, अगर मैं ऐसे कर दूं तब सही होता। आरबीसी है इरिथ्रियोसाइट, डब्ल्यूबीसी है ल्यूकोसाइट, लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रम्बोसाइट ही कहते हैं। यह प्रश्न का आपका सही उत्तर है। एक चीज याद रखिए, आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी अगर कभी पूछा जाएगा तो एक डब्ल्यूबीसी पर मानव शरीर में 6 आरबीसी रहती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ब्लड से, कि मानव शरीर में महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितना ब्लड कम होता है, तो याद रखना है आधा लीटर ब्लड कम होता है महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। क्लियर हो गई भैया बात। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, यानी कि कौन सा मिला हुआ नहीं है, मिसमैच है। यूरिया के सामने लिखा हुआ NH4N2O, स्टार्च के सामने लिखा है C6H10O5, और फॉस्जीन के सामने लिखा हुआ है COCl2, और मेथिल अल्कोहल के सामने लिखा हुआ है C2H5OH, क्या सही उत्तर होगा। सुमेलित नहीं है, कौन सा होगा, फटाफट बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए भाई, समय समाप्त हो चुका है, उत्तर नहीं आया अभी, देखो समझना है इसको। यूरिया, यूरिया को हम लोग लिखते हैं NH2CONH2। अब देखो NH2CONH2 लिखा, एक H2A हो गया, एक H2A हो गया, H4 हो गया, एक CA हो गया, C हो गया, ठीक है। अब O यहां पर हो गया, एक O, तो क्या हो गया, CH4N2O कहें या NH2CONH2 कहें, दोनों एक ही बात है, तो यूरिया तो मिला हुआ है।
स्टार्च की बात करें, स्टार्च भी आपका यही केमिकल फार्मूला होता है। फास्जीन की बात करें तो COCl2E होता है फास्जीन का, लेकिन मेथिल अल्कोहल का CH3OH होता है, ना कि C2H5OH। ये C2H5OH ये एथाइल अल्कोहल का होता है, और एथाइल अल्कोहल ही शराब के रूप में एथाइल अल्कोहल लेते हैं, लेकिन मेथाइल अल्कोहल एक पॉइजनस होता है। जब भी जहरीली शराब का कोई भी केस सुनने में आता है तो वहां पर मेथाइल अल्कोहल की बात आती है, CH3OH, ना कि C2H5OH। तो प्रश्न का उत्तर आपका सही क्या हो गया, मेथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये आपका मिसमैच है। क्लियर है? अगला प्रश्न, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर है, लैक्टोमीटर है, एनीमोमीटर है, या वो ऑटोमोमीटर है। फटाफट उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला कौन सा है? बिल्कुल CH3OH होता है, आंसर दीजिए। देखो दो तीन गैसें बहुत याद रखनी है, C6 जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, C6H6 कौन सी है, C2H2 कौन सी है, C2H4 कौन सी है, इन तीनों गैसों के फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, ये कौन सी गैसेज हैं। मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है, C6H6, C2H2, C2H4, फटाफट आंसर करिए, ये कौन सी गैसेस के केमिकल फॉर्मूला है, फटाफट उत्तर दीजिए। कह रहे हैं पोटोमीटर। देखो अब यहां पर बाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला पूछा गया है, बाष्पोत्सर्जन की अगर दर पूछी जाएगी तो हो जाएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई, एटमोमीटर। लेकिन अगर जड़ों तक पानी पहुंचाने वाला, यानी कि हर तरफ पानी पहुंचाने वाला, तब उत्तर होगा आपका क्या, पोटोमीटर, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा बाष्पोत्सर्जन की दर तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए कैसे अब समझ में आएगा। पोटोमीटर क्या है, पोटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग पत्तेदार पौधे की शूटिंग के लिए पानी के ऊपर दर को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि बाष्पोत्सर्जन का नहीं हुआ दर मापने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि पौधे के पानी के ऊपर की दर को मापने के लिए हम लोग करते हैं, तो यह आपको याद रखना। एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन नहीं दिया गया है तब आप पोटोमीटर लगाएंगे, तब आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा, ठीक है। देखिए C6H6 आ गया बेंजीन, C2H2 क्या है, C2H4 क्या है, फटाफट आंसर करिए, सही उत्तर दीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न, भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है, यह बताना है, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु, जल्दी से उत्तर दीजिए। हां बेंजीन आ गया बिल्कुल सही, एसिटिलीन आ गया, प्रोपेन आ गया, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आपको उत्तर करते जाना है, जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। समय समाप्त, और इसका सही उत्तर जितने लोगों ने गुजरात दिया है उन सभी का उत्तर एकदम सही है। केरल की अगर हम बात करें, कैपिटल तिरुवनंतपुरम कहें या त्रिवेंद्रम कहें, बिल्कुल सही है। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ के बहुत सारे डांस भी हैं, अगर कुछ डांसेस की हम बात करते हैं केरल के, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है जल्दी से बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, कथकली कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, दोनों नृत्य आपको बताने हैं, ये किस राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश, इससे 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ है, और आंध्र प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध डांस है जिसको हम लोग कहते हैं कुचिपुड़ी। गुजरात मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है आपको याद, और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी मोदी जी ने काम किया है, तो गुजरात ही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु, इसकी अगर जियोग्राफिकल लोकेशन कभी पूछी जाए तो आप बता सकते हो साउथ ईस्ट है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं थे, मोरारजी देसाई, यशवंत चव्हाण,
लाल कृष्ण आडवाणी या अर्जुन सिंह, इन चारों लोगों में से भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं थे, यह आपको बताना है। जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ, कथकली है, बिल्कुल सही है, केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या सही उत्तर होगा। देखो, समझना है इसको, समझिए इसको। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, सर्वे सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति राजीव गांधी, यशवंत चव्हाण भी ये प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ये भी लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया है। देख लेते हैं कौन कौन से। वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई रहे दूसरे उप प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह तीसरे उप प्रधानमंत्री, बाबू जगजीवन राम जो कि मीरा कुमार के पिताजी हैं वो भी आपके चौथे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके बाद में यशवंत राव चव्हाण ये भी आपके उप प्रधानमंत्री रहे हैं, देवीलाल चौधरी देवीलाल ये भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, और सबसे अंतिम उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को सबसे अंतिम उप प्रधानमंत्री कहा जा सकता है अब तक। ठीक है, अगला प्रश्न, काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था कब, 1952, 1953, 1955 या 1969, कब काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर करिए, सही उत्तर क्या होगा आपका, जल्दी से उत्तर दीजिए। समय समाप्त हो रहा है भाई, समय समाप्त हुआ। काका कालेलकर 1953 में, याद रखना है आपको, किसके लिए, पिछड़ा वर्ग आप लोगों को याद ही है, यह मैं बता चुका हूं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, 1952 बहुत महत्वपूर्ण है, और इस समय कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, याद रखना है। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, सीवीवी में वीवी का अर्थ क्या है, क्या वो वेरिफिकेशन वैल्यू है, या वो आपका वैल्यू वेरिफिकेशन, या वो वर्चुअल वेरिफिकेशन है, या वो वर्चुअल वेरीफाइड है, क्या है सीवीवी में वीवी का अर्थ क्या है, जल्दी से उत्तर दीजिए। देखो भाई, फटाफट आंसर करिए, उत्तर दीजिए। सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर वेरिफिकेशन वैल्यू, याद रखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, सीवीवी में वीवी के मतलब वेरिफिकेशन वैल्यू आपका। आप कार्ड देखते हैं, कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसमें पीछे की तरफ तीन डिजिट का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू लिखा होता है आपका, सीवीवी नंबर, तो वो सीवीवी नंबर आपका वेरिफिकेशन वैल्यू होता है वीवी का अर्थ। अगला प्रश्न, फेसबुक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, जल्दी से बताना है। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, मेनलो पार्क वाशिंगटन डीसी, मेनलो पार्क इलिनॉयस, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए फेसबुक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। और फेसबुक के फादर अगर कहेंगे, संस्थापक कहेंगे, तो मार्क जुकरबर्ग का नाम बहुत आता है फेसबुक का, और इन्होंने स्थापना की, और इसकी स्थापना अगर पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर, तो ये मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, जिसको हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं वर्ल्ड में। अगर इंडिया में सिलिकॉन सिटी पूछा जाएगा तो बेंगलुरु, इंडिया में अगर हाईटेक सिटी पूछा जाएगा तो हैदराबाद। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इलिनॉयस बहुत महत्वपूर्ण है, बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले कहां के थे सीनेटर, तो इलिनॉयस के थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रीन टी की उत्पत्ति किस देश से हुई है, अमेरिका, चीन, भारत या ब्राजील। ग्रीन टी, फटाफट उत्तर दीजिए, ग्रीन टी की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है, जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए सही उत्तर क्या है,
चाइना, ठीक है ना, अमेरिका नहीं कहोगे, चाइना। चाइना की अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो देखिए एक करेंसी में बड़ा चाइना में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको बताना है रेनमिनबी क्या है करेंसी, रेनमिनबी चाइना की करेंसी है। भारत और चाइना, अगर पूछा जाएगा भारत के कौन कौन से राज्य चीन को स्पर्श करते हैं, तो एक कोड याद रखोगे, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, यह भारत और चाइना का हो जाएगा कोट। कैसे, जो भी राज्य चीन से भारत के स्पर्श करते हैं, जम्मू से जम्मू एंड कश्मीर, सिपाही से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से उत्तराखंड, ये राज्य चीन को स्पर्श करते हैं तो जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। इस कोट से आपको भारत के लगने वाले राज्य चाइना से पता चल जाएंगे, ठीक है। अब ग्रीन टी के बारे में जान लेते हैं। हरी चाय या ग्रीन टी एक प्रकार की चाय होती है जो कि कैमेलिया साइनेंसिस, ये नाम आपको याद रखना है, इस पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। इसके बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण न्यूनतम होता है। प्रतिदिन कम से कम 8 कप ग्रीन टी हृदय रोग होने की संभावनाओं को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और इसके साथ शरीर के वजन को भी नियंत्रित करने में सहायक होती है। जो भी लोग ग्रीन टी के बारे में जानते हैं लेकिन इसकी उचित मात्रा ना ले पाने की वजह से उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं होता है, तो याद रखिए ग्रीन टी की उचित मात्रा भी लेनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात भैया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक परीक्षण है, उस परीक्षण का नाम है ईसा, क्या है, ISAA, ईसा। उन व्यक्तियों के लिए एक उद्देश्य मूल्यांकन उपकरण है जो भी लोग पीड़ित होते हैं ऑटिज्म से या लेप्रोसी कुष्ठ रोग से या टाइफाइड से या एड्स से, क्या सही उत्तर होना चाहिए जल्दी से बताइए। ये ईसा जो परीक्षण है ये किसके लिए किया जाता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ईसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर एड्स होना चाहिए, भैया एड्स के लिए जो है एलिजा होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोबेंट एसे, याद रखिए एड्स के लिए है। ऑटिज्म के लिए ईसा टेस्ट किया जाता है, लेप्रोसी के लिए नहीं, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफोसा इसके बैक्टीरिया का नाम है, जो हम लोग जानते हैं विडॉल परीक्षण, जो टाइफाइड और मलेरिया के लिए विडॉल परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब ईसा के बारे में जान लेते हैं ये होता क्या है। देखिए ऑटिज्म एक क्या है, ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि बच्चों में होता है। इसके लिए यानी कि एक भारतीय पैमाना नहीं था, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है ईसा का, और फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। और यह 2009 में ऑटिज्म की गंभीरता का पता लगाने और मापने के लिए एक कोर्स पर आधारित था। 40 वस्तुओं को 6 डोमेन के तहत इसमें विभाजित किया गया है, तो याद रखना है। और वर्ल्ड ऑटिज्म डे इसीलिए 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, याद रखिए वो इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोग ऑटिज्म से अवेयर हो जाएं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला प्रश्न, डॉट्स, जब ट्यूबर क्लोसिस हो जाता है तो डॉट्स लिए जाते हैं, यह डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए क्या फुल फॉर्म है डॉट्स का, जल्दी से उत्तर दीजिए। विशाल जी आंसर दीजिए, कह रहे हैं ईसा और आईसा सेम है, एक लोग भैया आईसा अलग है, ईसा अलग है और एलिजा अलग है, सही उत्तर क्या होगा, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, डॉट्स का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डर्टी मत लगाइए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट नहीं होगा, डर्टी नहीं होगा और ये यहां पर डायरेक्टली के साथ में शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न, कौन दार्शनिक था ये बताना है, दार्शनिक का नाम बताना है, क्या वो सुश्रुत थे,
या वो चरक थे, या वो चार्वाक थे, या वो धन्वंतरी थे, कौन थे दार्शनिक? फटाफट आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा? देखो समझिए, सुश्रुत एक वैद्य है, चरक चरक संहिता लिखी एक वैद्य है, धन्वंतरी भी एक वैद्य है, लेकिन चार्वाक कौन है? एक फिलोसोफर है, और इसने बृहस्पति गुरु ने एक दर्शन बनाया था, उसका प्रचार प्रसार किया चार्वाक ने, तो उन चार्वाक के नाम से ही चार्वाक दर्शन माना गया। और इन्हीं चार्वाक ने कहा, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमनम कुतः, यानी कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋण लेकर के घी पियो, और यह शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। और इन्होंने एक और स्टेटमेंट कहा था चार्वाक ने, कर मध्य कपोता न स्यो मयूरा, यानी कि अगर आज हाथ में कबूतर आया है तो उसको मार के खा लो, कल आने वाले मोर की कामना मत करो। तो ऐसी रियलिस्टिक फिलॉसफी को बनाने वाले थे बृहस्पति गुरु, लेकिन प्रचार प्रसार किया उनके शिष्य चार्वाक ने, तो इसीलिए यह एक नास्तिक दर्शन और नास्तिक शिरोमणि अगर पूछा जाएगा तो चार्वाक हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, कांच में आई दरार यह चमकना किसका उदाहरण है? जल्दी से उत्तर दीजिए, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या बर्तन का अनुप्रयोग है या ध्वनि है या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या सही होगा? कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जो समझ रहे ना, ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया ये बेसिकली प्रत्यक्ष कहा जाता ना, एक इनका बड़ा अच्छा था कि जहाँ जहाँ धुआं आए वहाँ वहाँ आग होगी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। हो सकता है गीली लकड़ी से धुआं हो रहा हो, तो प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्षम प्रमाण वैकम, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जब तक प्रत्यक्ष को नहीं देखेंगे तब तक प्रमाण नहीं मानेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, कांच में जब दरार होती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो चमकता है। अगला प्रश्न, टमाटर और पालक किस अम्ल का उदाहरण है? फटाफट आंसर दीजिए, टमाटर और पालक किस अम्ल का उदाहरण है? टार्टरिक, मैलिक, ऑक्जेलिक या एसिटिक? एसिटिक एसिड बहुत बार पूछा जाता है, CH3COOH, जिसको हम लोग सिरका कहते हैं, ये तो उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटर के और पालक के एक अम्ल के उदाहरण आपके हो सकते हैं। देखिए, लाल चींटी पूछा जाता है कौन सा एसिड है, इमली में कौन सा एसिड है, अंगूर में कौन सा एसिड है, टमाटर में कौन सा एसिड है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके माध्यम से कर्क रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखाएं, यह काल्पनिक रेखा गुजरती है, कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एशिया? फटाफट उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा भाई? देखो सही उत्तर इसमें क्या होगा, ऐसा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लाइंस निकलती हैं, लेकिन एशिया से दो लाइन, देखिए वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, यह हो गई आपकी 23rd and half north, यह हो गई आपकी 23rd and half south, तो यानी कि यह हो गई मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गई आपकी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 0 degree हो गई आपकी इक्वेटर। अब आप देख सकते हैं यहां पर एशिया से एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, और अफ्रीका आप देख रहे हैं तीनों जा रही हैं, ठीक है, अफ्रीका से तीनों जा रही हैं, तो यानी कि एशिया से इक्वेटर लाइन भी जा रही है और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है, तो ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन अगर तीनों पूछा जाएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर अफ्रीका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाता है? कैल्सिफेरॉल, साइनोकोबलामिन, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल। अब देखो बहुत आसान है, ADEK, एडक, ये वसा में फैट सोल्यूबल हैं, B and C ये वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है,
ए हो गया रेटिनॉल, ये तो होगा नहीं। डी हो गया, ई हो गया, ये भी नहीं होगा। विटामिन वी 12 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोबलामिन, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, साइनोकोबलामिन। चूंकि ये बी का पार्ट है जो कि आपका जल में घुलनशील है, बाकी ये सब ए डी ई के। कैसे देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल है, विटामिन बी या बी वन थायमिन है, बी टू राइबोफ्लेविन हो जाएगा, बी थ्री नियासिन निकोटिनमाइड हो जाएगा, और बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा, बी सेवन याद रखना है बायोटिन, और उसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड सी हो गया, कैल्सिफेरॉल डी हो गया, और ई टोकोफेरॉल, और के को फिलोक्विनोइन के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे निचला या सबसे पिछला हिस्सा कौन सा है, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा, थैलेमस या सेरिब्रम। जल्दी से उत्तर दीजिए। देखो भाई, इसको समझना है, जो आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन के आपके पार्ट हो गए कौन, दो। पहला हो गया सेरिब्रम, ये सबसे फ्रंट पार्ट है, उसके बाद डायनसिफेनॉल के दो पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी आपका ये पार्ट हो गया अग्र मस्तिष्क का, फिर अगर थैलेमस भी अग्र मस्तिष्क का। अब जो हिंड ब्रेन है उसमें क्या होता है, पहला जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, और दूसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये सबसे पिछला हो गया, और इसी से आपका मेरुरज्जु का, इसके पिछले भाग से मेरुरज्जु का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ल्ड मिल्क डे एंड ओल्डर पर्संस, ये जो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस, ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 1 जून एंड 1 अक्टूबर, 22 दिसंबर एंड 23 दिसंबर एंड 31 अक्टूबर एंड 16 अक्टूबर, कब मनाया जाता है, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा। देखो भैया, समझना है इसको, बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम न्यू डेज हैं, एकदम सही है, मेडुला ऑब्लांगेटा, सही पूरा नाम लेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। देखो बहुत आसान है, फोर ब्रेन मिड ब्रेन, फोर ब्रेन मिड ब्रेन की अगर पार्ट करेंगे तो एक हो जाएगा सेरिब्रल पिंडकल, और दूसरा पार्ट हो जाएगा कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। ठीक है, और लास्ट हिंड ब्रेन के सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका, 1 जून और 1 अक्टूबर, ये आपके प्रश्न का सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अब अगर 31 अक्टूबर आज ही है, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस मनाते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी, 16 अक्टूबर खाद्य दिवस है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाएगा तो सही उत्तर आपका क्या होगा, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र, देखिए C2H2 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, C10H5ClN2। ठीक है, ये आपका हो गया आंसू गैस का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, सीमेंट यह मिश्रण होता है किसका, तो सीमेंट के मिश्रण की अगर बात आएगी तो सही उत्तर आपका क्या होगा भाई, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका, कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट। ठीक है, यह प्रश्न का सही उत्तर। अंतिम प्रश्न है, वह मीटर जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर या ओडोमीटर या थर्मोमीटर या किलोमीटर। तो बहुत आसान है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ओडोमीटर, जो कि गाड़ी में होता है, कितना चले हैं डिस्टेंस, ये दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 30 प्रश्नों का रहा पूरा क्लास। कल हम लोग मिक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाएंगे, और 40 प्रश्न के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और आज एक और ऑफर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, देखिए दिवाली ऑफर चल ही रहा है, आज लास्ट डे है, इसको अवेल करना मत भूलिए। आप देख सकते हैं ईएमआई का ऑनलाइन टेस्ट और एसएससी स्टेनोग्राफर, और आप देख सकते हैं ये जो कार्ड्स हैं इन पर भी आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, 2000 तक का ऑफर है और इसमें 1000 तक का ऑफर है। इन सभी के लिए आपको विजिट करना है myshop.mahindraj.org। ठीक है, तो ये हमारा सेशन यहाँ पर आज कंप्लीट होता है भाई। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, क्योंकि इंग्लिश गुरु आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चंस और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लेकर के आ रहे हैं, जो आपको एक ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश को आसान
बताएंगे कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।